एंड व्हाट इज अप गाइस, तो स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही कॉमन टॉपिक के ऊपर। वो कॉमन टॉपिक यार आप लोगों को जाहिर सी बात यार पता ही होगा, क्योंकि यार मैंने थंबनेल और टाइटल में डाल रखी है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किया शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सो गाइस, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ आप अपने एक्सपी लेवल को जल्द से जल्द कैसे बढ़ा सकते हैं। अब यार मेरे लेवल्स को जज मत करो यार, मैं क्योंकि यार ज़्यादा डोनेट नहीं करता जिससे यार मैं अपने एक्सपी लेवल्स बढ़ा सकूँ। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिससे आप अपने एक्सपी लेवल्स को जल्द से जल्द बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखते रहना, और चलो यार लाइक्स का एम करते हैं 100 लाइक्स के लिए। चलो यार, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे पिछले वीडियो का जो एम है वो अभी तक पूरा नहीं किया है, तो इसीलिए मैं 100 एम रख रहा हूँ। चलो यार ठोकना शुरू करो अब तुम लोग। सो गाइस, सबसे पहले तो यार हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 1। तो जो मेरा ट्रिक नंबर 1 है वो है अचीवमेंट्स। तो आपको पता ही होगा कि यार हमारे पास एक बिल्डर बेस के लिए अचीवमेंट्स है और एक हमारे होम विलेज के लिए अचीवमेंट है। तो चलो यार अब मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं यार मेरे पास, मैंने बहुत सारे रिवॉर्ड्स जो है वो अभी पूरे के पूरे अचीवमेंट्स जो है वो मैंने आधे से ज़्यादा यार पास कर लिए हैं, और मेरे पास अभी बहुत सारे बचे हुए हैं। तो सबसे पहले तो यार बिल्डर बेस की तरफ बढ़ते हैं। ये तो यार कुछ भी नहीं है, मतलब ये बिल्डर बेस जो है ना उसमें हर एक अचीवमेंट में आपको 2000, 5200, फिर यार इतने सारे एक्सपी दे रहे हैं जिससे आप बहुत ही जल्द से जल्द अपना एक्सपी लेवल जो है अर्न कर सकते हैं। और मैं अभी अपने मेन विलेज के बारे में बताऊँ तो यार इस पर भी आप देख सकते हैं 5000, 5000, 1000। तो इसे आप चेकआउट कर सकते हैं यार, अपने प्रोफाइल में जाइए, जाके चेकआउट कर लीजिए कि यार आपको कितना एक्सपी अर्न हो सकता है सिर्फ और सिर्फ अचीवमेंट से। सो गाइस, ये था मेरा ट्रिक नंबर 1। अब बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 2 के पास। सो गाइस, जो मेरा दूसरा ट्रिक है वो है डोनेट देना। तो यार अब डोनेट देने से मतलब यार क्या डोनेट देना, ट्रूप्स डोनेट देना। या तो आप ट्रूप्स को डोनेट करो या तो आप स्पेल्स को डोनेट करो। और यार मुझे पता है यार आप लोगों में से यार बहुत जन जो है जिन्हें डोनेशन देना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो यार मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ ना, वो आप फॉलो करो तो यार आपका ज़रूर एक्सपी लेवल बढ़ जाएगा। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जाइंट का जो टैब है वो खोल के रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एलिक्सर का जो अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, और इसका हाउसिंग स्पेस जो है वो 5 है। मतलब यार इसका मतलब यार आप आसानी से यार इसे खरीद भी सकते हैं, मतलब ट्रेन कर सकते हैं, और इसे आराम से डोनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि यार इसका मतलब जो प्राइसिंग है ना वो बहुत ही कम है यार। आप लोग तो यार इतना तो अफोर्ड कर ही सकते होगे, मुझे पता है। और गाइस, मैंने आपको जाइंट इसलिए दिखाया क्योंकि यार वो दाम में भी बहुत कम है, और यार वो उसका हाउसिंग स्पेस भी बहुत ज़्यादा है। यार जाहिर सी बात है यार आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपी पॉइंट कमाने का मौका मिल सकता है। यार इसीलिए मैंने इसको अपने ट्रिक नंबर 2 के अंदर एंटर करवाया। सो गाइस, ये थी मेरी ट्रिक नंबर 2। तो यार चलो बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 3 की तरफ। सो गाइस, जो मेरा ट्रिक नंबर 3 है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप ऑल टाइम प्लेयर हो, मतलब यार फुल टाइम खेलते हो क्लैश ऑफ क्लैंस को, तो यार ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी। पर यार अगर आप दिन में सिर्फ 2-3 बार ही इसे खोलते हो क्लैश ऑफ क्लैंस के गेम को, तो यार आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब मैं आपको बताता हूँ वो क्यों। सो गाइस, अगर आप फुल टाइम ये गेम खेलते ही रहते हो, दिन में कम से कम 20-30 बार इस गेम को ओपन करते हो और अटैक्स करते हो, तो यार ये वाली जो ट्रिक है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और यार अगर आप इस गेम को दिन में सिर्फ 5 या 6 बार खोलते हो, ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाली है। सो गाइस, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ अब मैं आपको वो बताता हूँ कि यार आपको तो पता ही होगा, अगर आप मल्टीप्लेयर बैटल्स जो है यहाँ से अगर आप अटैक करते हैं फाइंड द मैच में जाकर, तो यार आपको वहाँ पर हर एक टाउन हॉल फोड़ने के लिए एक स्पेसिफिक, मतलब एक स्पेसिफिक एक्सपी मिलती है। जैसे कि यार मेरा अभी टाउन हॉल 9 है, तो यार अभी मेरे ऊपर जो भी अटैक्स करेगा अगर वो मेरे टाउन हॉल को डिस्ट्रॉय करता है, तो यार उसको एक्सपी 9 मिलेगी, मतलब यार 9 एक्सपी उसको मिल जाएंगी। यार मेरा ये वाली जो ट्रिक है ना, यही इसी पे डिपेंड करता है कि यार उस आगे वाले का टाउन हॉल कौन से लेवल का है। अगर उसका टाउन हॉल 8 है तो यार आपको सिर्फ 8 एक्सपी मिलेंगी, अगर उसका 9 है तो 9 मिलेगी, अगर आपका 10 है तो यार 10, या फिर 11 है तो 11, 12 तो अभी आया नहीं है तो यार उसके बारे में सोचना भी नहीं। सो गाइस, यही थी मेरी ट्रिक नंबर 3। यार अभी यार मैं बात करता हूँ यार मेरे क्लैन के बारे में। और गाइस, बहुत सारे जन पूछ रहे थे कि यार मुझे तेरा क्लैन ज्वाइन करना है, मुझे तेरे क्लैन में आना है। तो यार मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप TH8 के ऊपर वाले, मतलब TH8 हो या फिर TH9 हो या फिर TH10 एंड अबाव हो, यार फिर आप आ सकते हो यार, बिंदास आ सकते हो मेरे क्लैन में। पर यार आपकी रिक्वायर्ड ट्रॉफी जो है वो हमारे क्लैन से मिलती जुलती होनी चाहिए, क्योंकि यार हमारे जो क्लैन है यार उसमें इनवाइट्स ओनली है, और मैं इसे बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकता क्योंकि यार ये मेरा क्लैन नहीं है,
ये किसी और का क्लैन है, मैं सिर्फ इसमें एक मेंबर हूँ, मतलब यार उन्होंने मुझे को लीडर बना के रखा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ यार, अगर आपकी रिक्वायर्ड ट्रॉफी हमारे क्लैन से मिलती जुलती है तो यार आप बिंदास हमारे क्लैन में एंटर हो सकते हो। और गाइस आप अगर आप मेरे क्लैन में ज्वाइन हो जाते हो तो यार इसका मतलब ये नहीं कि यार आप ऑफलाइन हो जाओ और यार मेरे क्लैन को यार एक ही दिन रहकर यार फिर उसके बाद आप यहां से गुल हो जाओ, ऐसा क्लैन नहीं चाहिए, मतलब ऐसे मेंबर्स नहीं चाहिए हमें, क्योंकि यार हमें एक ऐसा मेंबर चाहिए जो यार ट्रॉफी पुशिंग करे और वॉर्स में अटैक्स करे, अपने दोनों अटैक्स दिखाए और एकदम लॉयल्टी से पेश आए हमारे क्लैन मेंबर्स के साथ। तो अगर आप समझ गए होगे तो यार आप हमारे क्लैन में आ सकते हैं, आपका पूरा पूरा वेलकम है यार हमारे क्लैन में अगर आप ऐसे बंदे हो तो। और गाइस सबसे मेन बात, अगर आपने मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया था जाके फॉलो लाइक जो करना है कर दो यार, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टा है, आपको जहाँ जाके फॉलो करना है वहाँ जाके फॉलो करो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर सामने भी आपको दिख रही होगी। जस्ट चलो यार मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ, अगर आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब मारो और बेल आइकन को दबाओ। एंड गाइस थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, तो यार मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए प्ले गेम, स्टे कॉमेडियन, ऑलवेज बी गेमडियन, पीस आउट।